चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें इनिशियली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एक्सेट्रा बहुत कुछ दिया हुआ है। बिफोर आई प्रोसीड टू दोज डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, मैं पहले कुछ ऐसे फॉर्मूले या फिर शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जो कि अभी 15-20 मिनट में कवर हो जाएंगे। फिर एक्चुअल डेफिनेशन कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो शॉर्टकट्स है, ये सारे हमें बहुत सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन इस शॉर्टकट से हम सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग शॉर्टकट नंबर 1। देखो, समझो आपको ऐसा बोला गया, एक क्वेश्चन है कि देयर आर, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ पेपर। एक पेपर आपको मैंने दिया, समझो नोटबुक का पेपर है, पेज है, उसके ऊपर मैंने 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ किए। नॉन कोलिनियर सबको समझ में आता है, कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। ऐसे ये 3 पॉइंट्स है, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। एंड 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। तो 2 पॉइंट एक लाइन पे तो रहेंगे, लेकिन 3 पॉइंट एक साथ नहीं आएंगे। तो 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ पेपर, एंड आई आस्क ऑल ऑफ यू द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स that can be drawn from these points. Of course, जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे समझो ऐसे 10 पॉइंट दिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट दिए हैं। तो एक लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन पे 2 ही पॉइंट आने चाहिए। दैट इज द कंडीशन कि एक लाइन पे 2 ही पॉइंट आने चाहिए। तो अभी ऐसे आप अगर लाइन ड्रॉ करते बैठेंगे कि कितने पॉइंट से ये 2-2 पॉइंट लेके एक एक लाइन ड्रॉ करना है, 2-2 पॉइंट लेके एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइक दैट इफ यू ट्राई टू ड्रॉ, सर 45 लाइन, यू विल हैव अ टफ टाइम इफ यू ड्रॉ एक्चुअल लाइन्स। तो इसका एक शॉर्टकट है कि नंबर ऑफ लाइन्स कैसे फाइंड करें। तो अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक्सप्लेनेशन में थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझो मुझे 10 पॉइंट्स के अलावा मुझे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल ए, पहला 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो ऐसे 3 पॉइंट आपको अगर दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2-2 पॉइंट से पास होने वाले टोटल कितने लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, 1, 2, and 3. Sir, I have understood the question only. देखो, you have to draw the lines passing through any 2 points. ठीक है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। passing through any 2 points. देखो, there are 10 non-collinear points on a paper. हमने ऐसे प्लॉट किए हैं पॉइंट्स, आपको जैसे मैंने दिखाया, ये पेपर समझो ब्लैकबोर्ड, मतलब एक पेपर है वहाँ पे, उस पर मैंने 10 non-collinear points. Collinear points मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जैसे कि एक लाइन पे 3 पॉइंट नहीं आने चाहिए। तो ऐसे 10 पॉइंट आपको दिए हैं और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, ऐसे कितने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाले ऐसे टोटल कितने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। अभी 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये 3 पॉइंट से पास होने वाले हमें यहाँ पे कितने लाइंस मिले टोटल, 3 लाइंस, ऑलराइट। फिर अगर मैंने 4 पॉइंट्स लिए,
लास्ट वाले स्लाइड पे लिखा। समझो मुझे अगर चार पॉइंट्स दिए हैं बी, फोर पॉइंट्स, हम एक शॉर्टकट की तरफ अभी पहुंच रहे हैं, सर आप एक बार ऐसे 10 पॉइंट्स निकालिए ना नॉन फिलर में इस स्लाइड पे। देखो अभी ये चार पॉइंट है, ये पहला पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, इन चार पॉइंट से हमने ये टोटल 6 लाइंस ड्रॉ किए। ओके, अ लाइन शुड पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पॉइंट के लिए आंसर आया 3 लाइंस, 4 पॉइंट के लिए आंसर आया 6 लाइंस, ऐसे 5 पॉइंट के लिए, 6 पॉइंट्स के लिए। अभी मुझे क्वेश्चन पूछा गया 10 पॉइंट्स के लिए ऐसे कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। सो इसका एक शॉर्टकट ऐसा है कि जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है आपको दिए हुए वो लिखो 3 पॉइंट्स, मल्टीप्लाई इट बाय नेक्स्ट नेचुरल नंबर एंड डिवाइड बाय 2। सॉरी सर गलत हो गया। आई थिंक 3 × 2 / 2 पहले का नंबर सर, बाद में का नहीं, पहले का नंबर। हाँ, उसको एक से कम कर दो एंड डिवाइड बाय 2। उसको एक से कम कर दो एंड डिवाइड बाय 2, सो द आंसर इज 3। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 4, उसको एक से कम करो, 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाय 2, 12/2 आंसर इज 6। तो अभी 10 लाइंस, 10 प�इंट्स अगर है, 45 लाइन सर, सर 10 × 9 / 2 दैट इज 45 लाइंस आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट यहाँ पे मिलता है। अगर हम 10 पॉइंट्स है तो 9, 8, 7, 9 सारे नंबर ऐड करने के सर उतना ही आंसर आता है। इन जनरल अगर मुझे n पॉइंट्स दिए हैं और वो n के n पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, देन वी गेट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब 10 पॉइंट है तो 10 × 9/2, 4 पॉइंट है तो 4 × 3/2, अगर n पॉइंट्स है तो n × n-1/2। समझा क्या सब लोगों को ये? यस सर। सर अगर कोलिनियर पॉइंट भी है तो भी हम सर ड्रॉ कर सकते हैं ना पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट अगर होंगे तो दूसरा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है, वहां पे नंबर ऑफ लाइंस कम आएंगे, बताता हूँ, देखो। ओके सर। हाँ, सो दैट इज शॉर्टकट नंबर 2। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभी क्वेश्चन 1 जो लिया था हमने, अभी क्वेश्चन 2 ऐसा लेता हूं मैं, टोटल पॉइंट्स आपको दिए है 10, उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स है 4 और नॉन कोलिनियर आएंगे बचे हुए 6। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल बी 6 एंड देन इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। सर कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल टू 4 इसका क्या मतलब है बताता हूँ। देखो पहले एग्जांपल ए, अगर 3 पॉइंट्स है, देखो इसके 2 केसेस आ सकते हैं, अगर तीनों के तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर रहते हैं, सो वी विल गेट नंबर ऑफ लाइंस एज 1 ओनली, ओनली 1 लाइन वी कैन ड्रॉ, 1 लाइन, ठीक है, फ्रॉम दोस 3 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन।
और अगर वो तीनों नॉन कोलिनियर रहते हैं तो हमने अभी अभी देखा कि थ्री लाइंस मिलते हैं. ओके, चार पॉइंट वाला अगर एग्जांपल, अरे यार इतने जल्दी क्यों स्लाइड खत्म हो रहे. सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया होगा कि दो पॉइंट्स को ही जोड़कर अगर आपको बनाना है लाइंस, तो उसमें भी तीन ही उसमें कैसे बनेगा? हाँ, तो उसमें स्पेसिफिकली आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, लेकिन तीनों के तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है. तो जब आप कोई भी दो पॉइंट लेके ये वाला लाइन पहला लाइन लिया, दो वन टू को ज्वाइन होने वाला, टू थ्री को ज्वाइन होने वाला दूसरा लाइन लिया, और वन थ्री को ज्वाइन करने वाला तीसरा लाइन लिया, दो दो पॉइंट को, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है, तो एक्चुअल में वो तीनों के तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, दे आर ओवरलैपिंग लाइंस. ओके, सो उसका काउंट वन आएगा. व्हाइल कैलकुलेटिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस द काउंट विल बी वन. एक्चुअली देर आर टोटल थ्री लाइंस पासिंग थ्रू टू टू पॉइंट्स, बट बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर द काउंट विल बी कंसिडर्ड एज वन ओनली. ये समझा क्या? Yes, sir. So that we need to take care कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो काउंट हमें कम करना है. एक्चुअल काउंट ज्यादा आता है लेकिन काउंट हमें कम करके लिखना है. अभी चार पॉइंट्स अगर है, फोर पॉइंट्स, तो अभी अभी हमने देखा कि अगर चारों के चारों पॉइंट्स ऐसे नॉन कोलिनियर रहते हैं तो हमें टोटल वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स लाइन्स हमें मिलते हैं इफ ऑल द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. अभी इन चार में से एक ऐसा यहाँ पे लिखा और बाकी के तीन कोलिनियर है, बाकी के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लाइंस कितने मिलेंगे? देखो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, उसमें से तीन कोलिनियर है और एक बाहर है ऐसा पहला वाला पॉइंट. सो एनी टू टू पॉइंट से आपने अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखे तो टोटल आपको मिलेंगे फोर लाइंस ओनली. तो यहाँ आप देखेंगे कि नॉन कोलिनियर जब थे सारे पॉइंट्स तो सिक्स लाइंस मिल रहे थे, अभी चार ही लाइन मिल रहे, दो लाइन घट गए. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखो कैसे आता है. ये फॉर्मूला समझाने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करो. समझो फॉर एग्जाम्पल ये चारों के चारों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा, हमें 4 × 3/2 इतने लाइंस मिलेंगे, मतलब 6 लाइंस मिलेंगे. ठीक है, लेकिन अभी उसमें से तीन लाइन जो है, तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो क्या होगा, हमें 3 × 2/2 ये सब्ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से थ्री पॉइंट जो है वो कोलिनियर है. उसकी वजह से तीन पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइंस बनते हैं 3 × 2/2 ये सब्ट्रैक करना पड़ेगा. लेकिन क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक जो लाइन है वो इसमें काउंट ही नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमें प्लस वन करना है. तो यह आएगा 6 − 3 + 1, दैट इज 3 + 1 = 4 लाइन. तो ये फॉर्मूला है. मतलब यहाँ पे देखो, अभी टोटल यहाँ पे है 10 पॉइंट्स, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, 10 × 9/2 ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, लेकिन उसमें से चार पॉइंट कोलिनियर है, तो उस कोलिनियर पॉइंट की वजह से जो नंबर ऑफ लाइंस मिलते हैं वो सब्ट्रैक्ट करो पहले, और फिर वो जो चार पॉइंट कोलिनियर है उनमें से पास होने वाला जो एक लाइन है वो इसमें काउंट नहीं हो पाता, क्योंकि 10 नॉन कोलिनियर से ये सारे टोटल 45 लाइंस आएंगे, और उसमें से कोलिनियर वालों की वजह से जो सारे लाइन बनते हैं 4 × 3/2 सिक्स लाइन, सारे लाइन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये जो चार पॉइंट है उनमें से पास होने वाला जो एक लाइन है वो हमें काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए प्लस वन. तो 45 − 6 + 1 दैट इज 40, इतने लाइन्स हमें मिलेंगे. तो अगर समझो मैंने आपको ऐसे बोला कि टोटल पॉइंट्स
20 है, उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स 5 है, तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करो। बोलो फॉर्मूला, पहले क्या आएगा सर? 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 19 अपॉन 2 माइनस 5, जो कोलिनियर है, कोलिनियर की वजह से जो नंबर ऑफ लाइंस बनते हैं 5 इनटू 4 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन आप बाद में कर लेना। इन जनरल जनरल समझो, हमें दिया है कि टोटल पॉइंट्स पेपर पे n है, उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स m है, then we want to find out number of lines passing through any two points. The formula is photos 8 o'clock ko bhej dijiye group pe, n into n minus 1 upon 2 minus m into m minus 1 upon 2 plus 1. isme total points n hai, collinear points m hai, तो टोटल लाइंस हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से कोलिनियर पॉइंट के वजह से जो लाइन एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है उस उन खुद में से उनमें से पास होने वाला एक लाइन ऐड कर देंगे। ये सबको समझा क्या? लॉजिकली अंडरस्टैंड हुआ क्या? यस सर। यस ओके। तो ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा शॉर्टकट। तो दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला n into n minus 1 upon 2। यहाँ पे n टोटल पॉइंट्स है, ऑफ कोर्स n विल बी ग्रेटर देन m, ओके? टोटल पॉइंट्स n है, उसमें से कोलिनियर m है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पहले निकालो, फिर कोलिनियर के वजह से जितने लाइन आते हैं वो निकालो, वो सब्ट्रैक्ट करो एंड देन ऐड 1। ये 1 कहाँ से है? वो जो हमें हमेशा टोटल पॉइंट्स को n से डिनोट करना और कोलिनियर पॉइंट्स को n से डिनोट करना है हमेशा। यस, वी जनरली यूज दिस नोटेशन n एंड m। आप लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट याद रखो कि टोटल पॉइंट की वजह से टोटल नंबर ऑफ लाइन जो मिलते हैं उसमें से कोलिनियर वाले नंबर ऑफ लाइंस माइनस करो, उसमें 1 ऐड करो। कंसेप्ट याद रखो, n m के जगह आप सर वो 1 कैसे ऐड होता है वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हाई दैट 1 इज एडेड। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, 4 पॉइंट वाला। अभी अगर ये चारों के चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो हमें टोटल 4 इंटू 3 अपॉन 2 6 लाइंस मिलते, लेकिन उसमें से 3 लाइंस 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइंस आते हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। सर योर वीडियो इज स्ट्रक्ट। इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो लाइंस आते हैं वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो उसमें ये लाइन भी काउंट नहीं होगा। ये जो लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक भी लाइन काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये लाइन हमें काउंट करना है जो